नेपाल के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं और राजशाही को वापस लाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। देखिए, नेपाल में साल 1955 से पहले लगभग 240 सालों तक शांतिपूर्ण तरीके से राजा का ही शासन चलता था, लेकिन साल 1955 में जब नेपाल के राजा ने संवैधानिक राजतंत्र लाने का निर्णय लिया, जिसमें राजा के साथ साथ प्रधानमंत्री चुनके आता है, तब से नेपाल में अशांति फैल चुकी है। कुछ राजनीतिक पार्टियों में सत्ता में आने के लिए राजा का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते साल 2008 में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया और राजशाही खत्म कर दी गई, जिसके बाद खड़क प्रसाद ओली और पुष्प कमल दहल की सरकारें आई। लेकिन इन सरकारों के भ्रष्टाचार से तंग आकर नेपाल के मशहूर बिजनेसमैन दुर्गा परसाई ने राजशाही लाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है, और उनके अनुसार हिंदू राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल का नया राजा बनाकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। नेपाल में लोगों का ये मानना है कि राजशाही में जब पूरा देश ही राजा के अधीन होगा तो वहां पर भ्रष्टाचार क्यों होगा, इसलिए वहां के लोग लोकतंत्र की बजाय राजशाही चुन रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद ये मोय मोय गाना सोशल मीडिया पे बार बार सुनाई दे रहा है। इस पर इतने मीम्स बन चुके हैं ना कि दिमाग का भी दही बड़े की बजाय मोय मोय हो गया है। फिर मैंने ये सोचा कि ये मोय मोय आखिर होता क्या है, देखो तो सही, क्या इसका भी कोई इतिहास है? चलिए जानते हैं। दरअसल मार्च 2023 में सर्बियन सॉन्ग राइटर तेया डोरा का डिजानम गाना रिलीज हुआ था। डिजानम एक दर्द भरा गाना है जो कई देशों में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गाने के लिरिक्स मोए मोए है ही नहीं, बल्कि असल में ये मोजे मोर है, जिसका मतलब होता है मेरा समुद्र। एक सैड सॉन्ग होने की वजह से इसमें सिंगर ने ये बताया कि कैसे हर दुख और दर्द को सहने के बाद इंसान को सुकून देने वाले साथी की जरूरत होती है। लेकिन इंडियन ऑडियंस ने इस गाने को वर्ल्ड कप की हार से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहरहाल इस गाने को ज्यादातर व्यूज एशियन ऑडियंस से मिलने की वजह से सिंगर तेया डोरा ने सबको थैंक यू भी कहा है। वैसे गाइस, क्या आपने भी मोए मोए पे कोई रील बनाई है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। श्रीधर वेम्बू एक ऐसा भारतीय है जिसने अमेरिका में डॉलर्स की अच्छी खासी कमाई छोड़ दी और भारत के अपने पैतृक गांव में वापस बस के अरबों डॉलर्स की कंपनी खड़ी कर दी। तमिलनाडु के एक मिडिल क्लास परिवार में पले बड़े श्रीधर वेम्बू ने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद उन्हें अमेरिका में एक हाई पेइंग जॉब भी मिल गई थी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा, जिसकी वजह से वो स्वदेश वापस आ गए और उन्होंने गांव में ही खुद का बिजनेस खड़ा करने की ठान ली। साल 1996 में उन्होंने अपनी कंपनी के ऑफिस के लिए किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बजाय तमिलनाडु के तेनकासी कस्बे को चुना और अपने भाई के साथ मिलकर जोहो की शुरुआत की। जोहो एक बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरा बिजनेस चलाया जा सकता है, और इसी आइडिया के बलबूते आज जोहो अरबों डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। साल 2020-21 के कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो गए थे, तब श्रीधर ने खुद गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया था। साथ ही साथ श्रीधर गांव के स्थानीय किसानों के बीच जैविक खेती के बारे में जागरूकता भी फैला रहे हैं। उनके इसी कार्यों को सराहना करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया है। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फॉक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूँ।